बनाना। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? विस्मय बोधक वाक, यानी जिसमें क्या है, हमारे हर्ट से निकली हुई फीलिंग, जैसे क्रोध, शोक, उल्लास, खुशी, प्रसन्नता, जिसको कहते हैं हम लोग ब्रेवो, जो शाबाशी का बोध कराता है, ये सारी फीलिंग्स हमें इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में फील करते हैं हम लोग। तो एक्सक्लेमेटरी से एसर्टी बनाना, एसर्टी का मतलब होता है साधारण वाक। तो साधारण वाक दो टाइप के होते हैं, एक तो इसके अंदर इंटरजेक्शन दी रहती हैं, जिस इंटरजेक्शन की वजह से हम लोग उस सेंटेंस को पहचान लेते हैं कि ये कौन सा सेंटेंस है, और एक है जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है वो व्हाट ए और हाउ से स्टार्ट होंगे। तो इसके दो नियम हैं, एक नियम है व्हाट ए और हाउ से स्टार्ट है और उसके बाद अगर एडजेक्टिव दिया है, तो जब हम इसको एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव सेंटेंस में चेंज करेंगे तो इसको किस में चेंज कर देंगे, वेरी में। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे हाउ ग्रैंड हाउ ब्यूटिफुल द ताज इज दिया है। अब ये तुम्हारा हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब इससे हमें क्या बनाना है, असर्टिव तो देखो, अब असर्टिव सेंटेंस बनाना है तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सब्जेक्ट तुम्हें लास्ट में दिया रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा सब्जेक्ट कौन है, द ताज, द ताज। उसके बाद वर्ब है ईच। अब हमने बताया था कि अगर हाउ या व्हाट के बाद तुम्हारा एडजेक्टिव आता है तो उसको हम किस में चेंज कर देंगे, वेरी में। अब वेरी को चेंज करके यहां पे लगा देंगे, ठीक, और इस वेरी के बाद जो एडजेक्टिव है उसको यहां रख देंगे, तो हो जाएगा द ताज इज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक। सेकंड नियम क्या कह रहा है, सेकंड नियम कह रहा है कि अगर व्हाट या हाउ के बाद नाउन आ जाता है, क्या आ जाता है, नाउन, तो अगर इसको एसर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है तो हम को जो है इसे कई वर्ड में बदलेंगे, जैसे अगर सरप्राइज दिखा रहा है तो सरप्राइज में, उसके बाद बड़े के भाव में ग्रेट, बिग, अकॉर्डिंग टू सेंस, सेंस क्या कह रहा है वो, ठीक है, सेंटेंस में सेंस क्या, भाव क्या कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे। सरप्राइज हो गया, ग्रेट हो गया, बिग हो गया, हॉरिबल हो गया, टेरिबल हो गया, वंडरफुल हो गया, वंडरफुल, पिकुलियर हो गया, ठीक है। तो इन वर्डों में हम इसको चेंज करेंगे। तो अब फॉर एग्जाम्पल जैसे व्हाट ए फूल आई एम, ये है व्हाट ए फूल आई एम। अब देखो ये तुम्हारा एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक। तो अब देखो व्हाट ए के बाद ये जो शब्द दिया है ये एक क्या है, फूल, नाउन है, ठीक। तो हमारा नियम कहता है अगर नाउन आ गया तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस के सेंस के अनुसार हम उसे व्हाट या हाउ को सरप्राइज, ग्रेट, बिग, हॉरिबल, टेरिबल, वंडरफुल, पिक्यूलियर आदि शब्दों में बदल देते हैं, और भी हैं, फिलहाल हम इन लोग इतना ही देखते हैं। तो अब इसके बाद इसका सेंस क्या कह रहा है कि व्हाट ए फूल आई एम, कि मैं कितना बड़ा मूर्ख हूं, ठीक है। तो बड़े सेंस में आता है तो वहां पे हम लोग ग्रेट या बिग का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो आ ये देखो आई
एम ए बिग फूल, ठीक है, या आई एम अ ग्रेट फूल, ठीक है। जैसे व्हाट एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया कि मतलब क्या विचार है। तो अब इसमें सब्जेक्ट नहीं दिया है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में हम लोग जो है इट का प्रयोग कर लेंगे। ये हो जाएगा एक्सलामेटरी से असर्टिंग इट इज अ ग्रेट आइडिया, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा कंप्लीट, ताल लो इसको। कुछ समझ में आया?